इतनी भव्य संसद देखकर आज पूरी देश की जनता पुलकित है, गौरवान्वित है। इसका भी आपने विरोध किया, कर्तव्य पथ बना। आपको राजपथ नाम अच्छा लगता था, कर्तव्य पथ का भी विरोध किया। भारत मंडपम में कोर्ट से उसको रोकने का प्रयास किया, यशो भूमि को भी रोकने का प्रयास किया। डाटा प्रोटेक्शन का विजनरी बिल, इसका भी विरोध किया। और अंत में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का भी आपने विरोध किया। मित्रों, ये कांग्रेस डिनायल मोड में आ चुकी। पूरे देश की जनता को मैं कहना चाहता हूं, 5 साल का पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस का हिसाब किताब निकालिए। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबे और बहिष्कार के अलावा कुछ नहीं किया। हम भी विपक्ष में रहे, 10 साल तक बैठे, आगे पूरा जीवन विपक्ष में। हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते, अच्छा है उसका समर्थन करते थे। और आपके भ्रष्टाचार को भी हमने उजागर किया, मगर आपने क्योंकि भ्रष्टाचार है नहीं, बाहर जाना ही उचित समझा। मित्रों, इंडी अलायंस अहंकार से युक्त है, वो सहन ही नहीं कर सकते। वो ऐसा मानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री वो ही बन सकता है जो बड़े परिवारों से आता, वो सहन नहीं कर सकते। एक गरीब माँ का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बनकर देश को चला रहा है, ये अहंकार उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े। ये परिवारवादी राजकुमार सारे के सारे इकट्ठा होकर हमारा विरोध कर रहे। मोदी जी ने 40 से ज्यादा नीतियां बनाकर इस देश को नीतियों के आधार पर चलाने का काम किया। मैं पूरी सूची बोलना नहीं चाहता मित्रों, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, ऐसी पूरी दुनिया मनमोहन सिंह सरकार को कहती थी। आज मोदी सरकार ने हर क्षेत्र की 40 से ज्यादा पॉलिसी बनाकर पॉलिसी के आधार पर शासन कैसा हो सकता है उसका उदाहरण पूरी दुनिया में रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, भारत माता की। मित्रों, मैं और आप हमारे नेता के वखाण करें, पत्रकार भी कहेंगे, घमंडिया गठबंधन भी करेगा, आपको ऐसा ही करोगे, मगर मैं आज देश की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने बार बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर, मोदी जी को आशीर्वाद देकर अपना समर्थन जताया है। आज देश के 70 राज्यों में, 17 स्टेट्स में एनडीए की सरकार है, 58% हिस्से पर जिसमें 57% आबादी है वहां एनडीए का रूल है। गुजरात में हम लगातार 6 चुनाव जीते, मध्य प्रदेश में 21 सालों से शासन में है, गोवा में 3 बार जीते, उत्तर प्रदेश में 2 बार जीते, उत्तराखंड में 2 बार जीते, हरियाणा में 2 बार जीते, अरुणाचल में 2 बार जीते, आसाम में 2 बार जीते, त्रिपुरा में 2 बार जीते, मणिपुर में 2 बार जीते, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी 3-3 टर्म तक मैंडेट मिला था, और फिर से चौथा मैंडेट छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता ने दिया है। बिहार, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम, वहां एनडीए को बार बार आशीर्वाद मिला। मित्रों, ये जनादेश जो है वो मैं मानता हूं मोदी जी का परिश्रम, मोदी जी की नीतियां, मोदी जी के परफॉर्मेंस पर 140 करोड़ की जनता का थप्पा है जो इंडी अलायंस को नहीं दिखाई। भाई और बहनों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, अभी अभी इंडी अलायंस वाले के जो नेता है कांग्रेस पार्टी, एक भारत जोड़ो यात्रा निकली। तोड़ना तो निवेदन तो आपके भारत तोड़ने के, भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले। मैं उनको कहना चाहता हूं, किसी भी पार्टी के कार्यक्रम और यात्राएं, राजनीतिक कार्यक्रम, वो पार्टी का परिचय करा दे। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद जितने भी आंदोलन किए सत्ता में वापिस आने के लिए की, भारतीय जनता पार्टी का